नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअचला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। PID क्या है और ये PID के होने से क्या इनफर्टिलिटी के शिकार बन सकते हैं? PID का मतलब है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि पेल्विस में होने वाले इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन से संबंधित बीमारियां। सो ये एक इन्फेक्शन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, यानी कि आपके गर्भ हो सकता है, ट्यूब्स हो सकते हैं, ये कहीं भी हो सकता है। और ये तब होता है जब बैक्टीरिया आपके यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब्स में पहुंचता है वजाइना या सर्विक्स से, यानी कि यूट्रस के पहले जो एरिया है उसे वजाइना कहते हैं। वहां से अगर वो ऊपर जाए तो उसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं। PID तीन प्रकार के होते हैं। एक तो एक्यूट, यानी कि बहुत सीवियर, सडनली, जब ये सिम्टम्स सडनली और सीवियरली आते हैं तो उसे एक्यूट PID कहते हैं। बट इसकी वजह से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे पेट में दुखना या इसके बाद इनफर्टिलिटी होना या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का होना भी एक्यूट PID में देखा गया है। दूसरा है सब क्लिनिकल PID। जब PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होता है उसे कहते हैं सब क्लिनिकल PID। ये तब मालूम पड़ता है जब पेल्विक इन्फ्लेमेशन या सूजन होता है या ब्लॉक ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स में स्कारिंग या डैमेज होता है, तब पता लगता है कि सब क्लिनिकल PID है या था इस पेशेंट को। रिकरेंट PID तब होता है जब मल्टीपल इन्फेक्शंस होते रहते हैं और जो इनिशियल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट ही नहीं किया हुआ होता है, तो बार बार इन्फेक्शन होने का मतलब होता है रिकरेंट PID। और प्राइमरी इन्फेक्शन यानी कि पहले हुआ हुआ इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया होगा इसीलिए वो बार बार होता रहता है। तो कितने लोगों में होता है? तकरीबन 2 मिलियन लोगों में ये प्रॉब्लम देखा गया है। इनफैक्ट इंडिया में तो और भी होगा क्योंकि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और 12.5% पेशेंट्स जो है PID के बाद इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, यानी कि PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होने के बाद चांस ऑफ इनफर्टिलिटी यानी बच्चा ना होना चांस भी ज़्यादा ही है। इनमें से 25% लोगों में PID के बाद क्रॉनिक पेल्विक पेन यानी कि हमेशा से होने वाला पेन देखा गया है। तो होता क्यों है? 85% PID के जो केसेस होते हैं वो अनट्रीटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से होते हैं, यानी कि क्लैमिडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सारे कॉजेस की वजह से PID बहुत ज़्यादा देखा गया है। 15% केसेस PID के मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकते हैं। तो साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चले आपको? लोअर अबडोमन में बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत ज़्यादा फीवर होना, अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज होना स्मेली ओडर के साथ, पेन या ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंटरकोर्स होना, बर्निंग जब आप बाथरूम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्निंग होना, या पीरियड्स के बीच में अकस्मात ब्लीडिंग होना, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या ये फर्टिलिटी पे अपना असर दिखा सकता है? ज़रूर दिखा सकता है। PID जो है ट्यूब्स के अंदर एब्सेस यानी कि पस के जैसे इन्फेक्टेड फ्लूइड का जमा होना PID की वजह से होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। घाव का जैसा हो जाना, मतलब स्कारिंग कहते हैं, घाव के जैसे हो जाना जिसकी वजह से ट्यूब्स का डैमेज होना या ब्लॉक होना बहुत अक्सर देखा गया। इसकी वजह से बाकी के जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ हैं वो भी अपना असर नहीं दिखा पाते, ओवरीज भी ठीक से नहीं काम कर पाते, यूट्रस में भी असर देखा गया है, जिसकी वजह से गर्भ का ना आना भी बहुत अक्सर देखा गया है। एक्यूट और सब क्लिनिकल PID इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो जैसे कि गर्भ हो गया, ट्यूब्स हो गया, ये सब डैमेज होते हैं, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, या जो प्रोसीजर है यानी कि जैसे कि अंडा और स्पर्म मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ है मगर वो एम्ब्रियो नीचे नहीं आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस जो हैं इनमें बहुत सारे बाधाएँ आ सकते हैं। सम ऑफ दीज डैमेजेस, थोड़े डैमेजेस ट्यूब के अंदर जो टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि बहुत पतले पतले बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ट्यूब से अंडे को उठाकर फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो एम्ब्रियो को गर्भ में लेके आते हैं, तो अगर इसमें कुछ डैमेज हुआ है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज का भी शिकार हो सकते हैं क्योंकि या ट्यूब के अंदर का जो वातावरण है वो PID की वजह से बदल गया है। पहले इसको कैसे समझते हैं, मतलब आपको PID है ये कैसे जाना जाता है और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? पेल्विक एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, बाकी के इन्फेक्शन के लिए टेस्ट किए जाते हैं जब ये पता लगाया जाता है कि आपको PID है या नहीं। तो रिस्क कैसा है और किसको ज़्यादा रिस्क होता है इनफर्टिलिटी का, ये देखते हैं। जब PID का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लेते हैं तो ये देखा गया है स्टडीज़ में कि जो अपना ट्रीटमेंट 3 या 4 दिन से उसे डिले करते हैं तो उन्हें 3 गुना ज़्यादा चांस होता है इनफर्टिलिटी होने का, यानी कि अगर आप ट्रीटमेंट डिले करोगे तो ट्यूब्स का या गर्भ में वातावरण का चेंज होने की वजह से आपके इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फेलोपियन ट्यूब डैमेज, ये भी 70% इनफर्टिलिटी के केसेस
पीआईडी से संबंधित देखे गए हैं। एक स्टडी ने ये बताया कि ये जो पीआईडी का ग्रुप है उसमें 70% केसेस फैलोपियन ट्यूब डैमेज में रिजल्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। उसी स्टडी ने ये दिखाया कि 16% जो पीआईडी के पेशेंट्स हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते नॉर्मल ग्रुप से कंपेयर करने पर। सो ये ओवरऑल पिक्चर में जब देखा गया तो प्रेगनेंसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है, यूट्रस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। एक और स्टडी ने ये बताया कि जो सब क्लिनिकल पीआईडी है वो भी फर्टिलिटी में बाधा डाल सकता है। एक स्टडी ने बताया जिसके पहले प्रेगनेंसी हो गए हैं पर उसके बाद पीआईडी हुआ है, उनके 40% चांसेस कम होते हैं प्रेग्नेंट होने के दोबारा। यानी कि आप पहले माँ बन चुके हो लेकिन पीआईडी हुआ उसके बाद आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, 40% लेस हो जाते हैं। सो बॉटम लाइन क्या है, पीआईडी क्रॉनिक पेन यानी कि लगातार पेन में तो रिजल्ट करेगा ही, बट इनफर्टिलिटी का शिकार भी आप बन सकते हो उसकी वजह से। सब क्लिनिकल पीआईडी तो ज़रूर इनफर्टिलिटी का दुश्मन है क्योंकि ये आपको पता भी नहीं लगेगा कि है या नहीं। तो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे तो ज़रूर अपना चेकअप कराइए गायनोकोलॉजिस्ट से, जो देखेंगे अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स है या नहीं। बिकॉज अगर ये अनडिटेक्टेड यानी कि आपको इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तब आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आपको पीआईडी का डायग्नोसिस किया गया है या आप पीआईडी से ठीक हो गए यानी कि आपने ट्रीटमेंट लिया और अब ठीक हो गए, इसके बारे में और जानकारी चाहिए, आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।